दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे वो वीडियो है अग्नि कोण का कमरा, यह कैसा होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ईशान कोण के कमरे कैसे होते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने हमारा यह वीडियो ना देखा हो कि ईशान कोण का कमरा कैसा होता है, आप एक बार जरूर देखें। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अग्नि कोण के बेडरूम कैसे होते हैं। अब घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो बेडरूम बनता है वो अग्नि कोण। अब शास्त्रों में कहा जाता है कि अग्नि कोण किचन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। अग्नि कोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन से महिलाओं की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी कहा जाता है। यह स्थान शुक्र का है और शुक्र वैभव ऐश्वर्य और लग्जरी के कारक माने जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अग्नि कोण में कमरा होना नहीं चाहिए, परंतु अगर अग्नि कोण का कमरा है तो यह कमरा महिलाओं या बच्चियों का कमरा हो सकता है, क्योंकि अग्नि कोण का संबंध स्त्री से है। इसलिए यह कमरा केवल स्त्रियों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस कमरे में कोई भी कपल्स रहता है तो उनको आम जोड़ों की अपेक्षा इस जोड़े में सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। अगर अग्नि कोण के कमरे में शादी के तुरंत बाद अगर व्यक्ति इस्तेमाल करें तो उसे 18 महीने के पहले संतान होने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती हैं। और कई बार यह भी देखने को मिला है कि इनकी पहली संतान बेटा ही होगी, पर दूसरी संतान होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार यह भी देखने को मिला है कि 7 से 10 साल हो जाते हैं पर दूसरी संतान इन्हें नहीं होती है। इस कोने में कई बार यह भी देखा गया है कि अग्नि कोण का कमरा शॉर्टकट व्यापार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कई बार जुआ खेलने वाले, सट्टे का इस्तेमाल करने वाले या शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्तियों का भी यह कमरा देखा गया है। सबसे ज़्यादा ऐसे कमरे का इस्तेमाल लोग इन कार्यों में भी करते हुए देखे गए हैं। अग्नि कोण का कमरा का इस्तेमाल आप अगर 3 से 4 वर्ष करें तो फाइनेंसिंग के लिए यह कमरा सबसे अच्छा होता है। 3 से 4 वर्ष इस्तेमाल करने के बाद इस कमरे से हमें कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत ग्रोथ होता है, लेकिन जब 7 वर्ष इस कमरा में हम पूर्ण कर लेते हैं तो धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कमरे के 7 साल इस्तेमाल करने के बाद शुगर, बीपी, थायराइड या ब्लड का थक्का जमना या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होना इसी कमरे की देन मानी जाती है। इसलिए अग्नि कोण का कमरा कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा है और कुछ चीज़ों के लिए बुरा है। अग्नि कोण के कमरे में अगर आप रिसर्च, ऑपरेशन या संगीत वाद्य यंत्र बजाना शुरू करें, यह कमरा सूक्ष्म चीज या रिसर्च के लिए सबसे अच्छा कमरा है। तो यहाँ पे आप संगीत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑपरेशन थिएटर का भी काम कर सकते हैं या आप रिसर्च में इस कमरे का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो अग्नि कोण का कमरा केवल बेटियों के लिए अच्छा होता है। अगर कोई लड़का अग्नि कोण का कमरा 15 वर्ष इस्तेमाल कर लेता है तो उसमें कान में बाली पहनने की संभावना या बाल बढ़ाने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। और कई बार ये भी देखने को मिला है
कि अग्नि कोण में अगर कोई लड़का कंटिन्यू सो रहा है तो उसके आवाज में परिवर्तन भी होता है, क्योंकि यह कमरा स्त्रियों का है और उस लड़के में स्त्रियों जैसे हरकतें आने की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अग्नि कोण के कमरे अगर हैं तो आप उन्हें सावधानी से प्रयोग करें। यह जानकारी आपको कैसे लगी और कौन कौन व्यक्ति अग्नि कोण के कमरे का इस्तेमाल कर रहा है और उसे इस कमरे से कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा का कमरा कैसा होता है, किसे इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार।